जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हाउ वी कैन गो टूवर्ड द लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। हमने जब सेमी का दो हाइड्रोक्सिल है, यूजली वो हाइड्रोक्सिल जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है वो प्रेफरेबल होता है, और दूसरा जो है उसके चांसेस कम होते हैं। अब अगर हम दूसरे को, मैं जो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मुझे दूसरा जो प्रोडक्ट दे रहा है वही चाहिए, वो नहीं चाहिए जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए हम फिर ये करते हैं कि पहले इस रेमेडी को, है तो पिनाकोल ही लेकिन जस्ट उसके नाम के साथ सेमी पिनाकोल के थोड़े पिनाकोल से मिलती जुलती सेमी पिनाकोल, उसमें हम ये करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि वो वाला, जैसे आप देखें अल्कोहल्स की अगर हम सिंपल सी बात करें, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो हमने कहा था कि ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है, और हमने कहा था मेजर बना के आपने दोनों देखी थी, लेकिन हमने ये कहा था कि मेजर कंपाउंड वो बनेगा जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और वो फिर कौन सा होगा कि यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बनेगा और फेनिल ग्रुप माइग्रेट करेगा ये वाला कंपाउंड, तो मेजरली ये वाला प्रोडक्ट है जो बनेगा। अगर मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, मैं इस हाइड्रोक्सिल को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के बजाय इस हाइड्रोक्सिल को लीव करा दूं, तो प्राइमरी का टर्शी के कंपैरिजन में पॉसिबल नहीं है कि हम सिंपल एसडी कंडीशन और हाइड्रोनियम बना के इसको लीव करा सके। हमेशा प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी एंड देन टर्शी लीव पहले करेंगे। अब इसके लिए फिर एक और सोल्यूशन है, और वो ये कि आप इस प्राइमरी अल्कोहल को किसी और ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर दें पहले, फिर जब वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोनियम, तो फिर जाएगा ही वही कंपाउंड। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है, मैं स्लाइड पे आ रही हूँ यहाँ, उसके लिए ये कि हम उसको टोजिलेट्स बना लें, सल्फोनेट्स बना लें। सल्फोनेट्स आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, जब आपने एलिमिनेशंस पढ़ी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी होंगी, तो तब आपने पढ़ा होगा कि सल्फोनेट्स बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, और यूजली हम हाइड्रोक्सिल को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए सल्फोनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब सल्फोनेट्स जो है वो ये मोइटी है, सल्फोनेट्स आर एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ, ये सल्फोनेट ग्रुप है अगर ये ओ के साथ लग जाता है, यानी सल्फोनेट का एस्टर की तरह का, एस्टर्स भी है भी एंड पे हम एट लगाते हैं, तो ये इस तरह का कंपाउंड है। हाइड्रोक्सिल क्या इनके साथ रिएक्शन, जो सल्फोनाइल क्लोराइड स्टार्टिंग मटेरियल लिए जाते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, और सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें नजर आ रहा है HCl, ये एक्स्ट्रा है जो रिमूव हो जाएगा प्रोडक्ट में, आप देखें तो सल्फोनेट्स में वो बने हैं। यूजली ये जो HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है सिस्टम के अंदर, इसको हम रिमूव करते रहते हैं थोड़ी सी बेसिक कंडीशन दे के, ताकि साल्ट बनता रहे, और HCl अगर, वरना HCl सिस्टम के अंदर रहेगा तो वो क्या कर सकता है इस सल्फोनेट के साथ? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम अल्कोहल्स को सल्फोनेशन, जी साइमा बताइए। आपकी आवाज नहीं आई।
साइमा की आवाज नहीं मुझे आ रही, और कोई इसको एक्सप्लेन करे कि हमने अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए सल्फोनेट में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो रिमूव चीज हो रही है वो HCl है, अगर HCl सिस्टम के अंदर ही रहे और रिमूव ना हो तो वही सल्फोनेट के साथ क्या रिएक्शन कर सकता है। मैम मैम ये एज इसको अ एस्टर एक-एक बोले। हाँ जी बोलिए। मैम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है सीएल। एग्जैक्टली क्लोराइड जो है वो एज न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप हम बना चुके होंगे। और ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, और यूजुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये कॉमन जो आपने पहले पढ़ा हुआ भी है वो एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के वक्त में ये पढ़ा है। सल्फोनेट ग्रुप्स पहले पढ़े हैं ना, यस मैम, पढ़े हैं, यस मैम। पढ़े हुए। अच्छा इनमें जो मोस्ट कॉमन सल्फोनेट्स यूज होते हैं, या तो ये आर ग्रुप मैथिल हो तो तब यूज होते हैं, या फिर ये पैराटोलीन, ये जो आप देख रहे हैं कि बेंजीन है और बेंजीन के साथ मैथिल ग्रुप लगा हुआ, ये टॉलीन ग्रुप होता है, ये वाला एस्टर बहुत कॉमन है, और इसीलिए जैसे मैंने मैंने स्टार्ट में भी सल्फोनेट की जगह टॉजिलेट कहा था, तो मोस्ट कॉमन जो है वो टॉजिलेट होते हैं कि हम पैराटोलिन सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो अटैच करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एज लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी और ज्यादा है। एज लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी जितना चार्ज अकोमोडेटर होता है वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और चार्ज अकोमोडेटर वो ज्यादा होगा जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती होंगी, तो इसलिए इसमें एरोमेटिक सिस्टम है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है एज लिविंग ग्रुप, और अगर एज लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल होता है तो मींस कि ये ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब हम इसको या सो इसको हम बोलते हैं कि या मेजिटाइल क्लोराइड बनाया या हमने टोजाइल क्लोराइड बनाया, और हम उसे सल्फोनेट्स बना रहे हैं। जब हम ये सल्फोनेट्स बना लें, अब देखिए अब यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में TS बोलते हैं, टोजिलेट को, टोजाइल क्लोराइड स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे टोजाइल क्लोराइड में R पे पैराटोलीन होगा, बाकी यही ग्रुप होंगे। और अब देखिए कि कंडीशंस में मेंशन है कि पिरिडीन भी डाली हुई है। अब इस पिरिडीन का पर्पस आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों डाला है, क्यों डाला है, इसलिए HCl को रिमूव करने के लिए, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। HCl को रिमूव के लिए, बिल्कुल बिल्कुल एसिड को रिमूव करने के लिए ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना करे, और वो पिरिडिनियम क्लोराइड जो है वो बनाता जाएगा, साल्ट बनता जाएगा। अच्छा अब आप देखिए ये पहला स्ट्रक्चर आप देखें कि इसमें हाइड्रोक्सिल है, और एक हाइड्रोक्सिल वो है जो प्राइमरी है, एक हाइड्रोक्सिल वो है जो टर्शरी है। अगर हम सिंपल प्रोटोनेशन कर रहे होते, सिंपल पिनाकोल की कंडीशन दे रहे होते, तो हमने ये कहा कि मेजरली ये हाइड्रोक्सिल जाना चाहिए एज लिविंग ग्रुप क्योंकि इधर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। लेकिन अब हम क्या करें, हम उन्हें पहले टोजाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा रहे। अब टोजाइल क्लोराइड ने जब रिएक्ट होना है तो प्राइमरी अल्कोहल जो है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल, क्योंकि अब रिएक्शन और है, कम हिंडर्ड अल्कोहल जो है वो रिएक्ट होगा एस्टर बनने के लिए, सल्फोनेट का एस्टर बनने के लिए। तो हम इसको रिएक्ट करवाएंगे और ओ टोजाइल लिखेंगे, ओ टोजाइल ये है ओ और ये सल्फोनेट ग्रुप आर, सो ये ओ टोजाइल है जो बन गया। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब हमने इसे डायरेक्शन दे दिए कि ये ही कार्बोकेटाइन बनेगा। अब सिस्टम के अंदर एसडी कंडीशन कहीं यूज नहीं हुई है और हमने इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना के इसको रिमूव किया। अब आप देखिए कि वही जो पिनाकोल में हम करते थे कि दूसरा जो हाइड्रोक्सिल होता था उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग, उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग की वजह से एक सब्स्टिट्यूएंट का मूव होना और टोजाइल ग्रुप का लीव होना एक ही स्टेप में हो रहा है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ये बिल्कुल उस तरह हो रहा है जैसे हम SN2 टाइप करते हैं ना, उस तरह से सिंगल स्टेप हो रहा है, SN1 की तरह से नहीं हो रहा। अच्छा जब ये मूव होगा अब आप इसकी जरा नंबरिंग कर लीजिए, और नंबरिंग करके तो ट्रांसफर कर लीजिए
ये क्या यही प्रोडक्ट बन रहा है नंबर करके, और करें जरा। ठीक है, 5 लोगों ने कर लिए हैं। चले अगली एग्जाम्पल पे आते हैं फिर। माशाल्लाह सभी ने कर लिया, मेजोरिटी ने कर लिया। अच्छा अगली एग्जाम्पल में देखिए, अगली एग्जाम्पल में पहले हुआ क्या है, 1,2-डायोल खुद से सिंथेसाइज किया है। कैसे किया है? 1,2-डायोल हमें पता है ये अल्कीन से बनती है, तो अल्कीन से बना हुआ है, और ये अल्कीन कार्बोनिल से बनी हुई है, और कार्बोनिल से अल्कीन जब बनती है तो उसको कौन से रिएक्शन से बनती है? मैम मैम बहुत सारे रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। कार्बोनिल जैसे वो से थायल अल्कीन। थे विटिक रिएक्शन है, बहुत सारे। विटिक से बनती है, कार्बोनिल से अल्कीन, विटिक रिएक्शन से बनती है, और फिर अल्कीन बना के हमने उसकी ऑक्सीडेशन की हुई है, डाइहाइड्रोक्सीलेशन की हुई है ऑस्मियम ट्रोट्रॉक्साइड से, और ये स्टार्टिंग में मटेरियल बना लिया है। अब जब ये स्टार्टिंग मटेरियल बना लिया है तो इससे ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिखें कि कौन से मैकेनिज्म से हमारे पास ये 7 मेंबर बननी चाहिए, और कौन से ये 6 मेंबर एल्डिहाइड बननी चाहिए। इसमें कार्बोकेटोन है, इसमें एल्डिहाइड है, एक में पिनाकोल होगा, एक में सेमी पिनाकोल होगा। कंडीशंस लिख के कैसे बनाएंगे दोनों, क्योंकि आपको आती हैं। अच्छा मैंने कल रात को गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट्स अपलोड कर दी, आप लोगों को पता चल गया होगा। यस मैम। अच्छा उनकी ड्यू डेट भी मेंशन्ड है, तो उस डेट से पहले पहले आप अपलोड कर देंगे। और आप लोगों ने करना ये होगा कि अपने हाथों से, जिस तरह आप रजिस्टर्स पे करते हैं करेंगे अपने हाथों से, और ये नहीं कि एक दूसरे की फोटो लेके भेज रहे हो। जब मैं सारी चेक करूंगी तो मुझे नजर आ जाएगा, और उसकी फोटो ले, और फोटो लेके उसे PDF में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, PDF फाइल जो है वो आपने अपलोड करनी है। दूसरी कोई फॉर्मेट की अगर फाइल हुई तो मैं कंसिडर नहीं करूंगी। यूजुअली कई लोग इमेजेस को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, फिर इमेजेस का खुलना मुश्किल हो जाता है, तो
इसलिए आप इमेज की बजाय पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके फिर मुझे भेजेंगे, और कोशिश करें प्लीज के अपनी अपनी करें, सिर्फ इसका पर्पस आपकी एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हम क्लासरूम में नहीं बैठे हुए कि मैं आपको वो देख सकूं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी बेटर रखें, कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रख ही ली है तो आपको इसके मैकेनिज्म जो हैं वो फॉलो करने आए, और वो तभी आएंगे जब आप खुद करेंगे उन्हें। सो ये बर्डन लेके मत कीजिएगा कि फटाफट दूसरे से लूं, चीट करूं और जमा करा दूं, ये वाला काम मत कीजिएगा, ये आपके अपने फायदे के लिए कि खुद से करें। और आप लोग जो कर चुके होते हैं उनको भी मेरी एडवाइस है कि फ्रेंड के साथ भला इसी चीज में है कि उसको खुद करने दें, बजाय इसके कि उसको आप किया कराया दें। सो एक दूसरे को दें भी ना और एक दूसरे से लें भी ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? जी मैम। चले 5 लोगों ने कर लिया माशाल्लाह से, क्लास में आज आपका रिस्पॉन्स अच्छा है। क्योंकि 7 मेंबर वही प्रोडक्ट था जो यहाँ बनाया हुआ था, ये वाला था जो पहले हम कर चुके थे, और 6 मेंबर का जो मेकेनिज्म है वो यहाँ मेंशन्ड है कि 6 मेंबर जो है वो ये वाला हाइड्रोक्सिल पहले जाएगा, और इस हाइड्रोक्सिल के जाने की वजह से कार्बोनिल बनेगा। यहाँ ऐसे 2 टाइप मैकेनिज्म शो हुआ है, पॉसिबल है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये कोई 100% प्रूफ नहीं होते, तो डिपेंड के सबस्ट्रेट की नेचर क्या है। SN1 और SN2 में कोई हार्ड एंड फास्ट और ऐसा प्रिंसिपल नहीं, या एक बड़ी दीवार नहीं है कि मस्ट SN1 और मस्ट, बीच में भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो रिएक्शन को कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है और लिविंग ग्रुप तब लीव हो रहा है, और फिर ये ओपन होके तो कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इस तरह से लिखें, जिस तरह मुझे पता है कि आप लोगों ने डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बनाया है और फिर उसके बाद लिखा है, तो मैं ठीक है जिस तरह आपने लिखा है। अच्छा, यहाँ मैंने एक्सरसाइज दी है, ये मैंने कल अपलोड कर दी हुई है। यहाँ ये दिया है कि आप इन सारे कंपाउंड से पिनाकोल और सेमी पिनाकोल की प्रैक्टिस करेंगे कि क्या मैम प्रोडक्ट बनेगा पिनाकोल से और क्या बनेगा सेमी पिनाकोल से। मैम जी जी मैम पिछले रिएक्शन में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी तो हो सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं असल में वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले नॉलेज को छेड़ नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि जो आपने दूसरा प्रिंसिपल किया कार्बोकेट बनाने का, ठीक है, लेकिन वो हमेशा ही हाइड्रोक्सिल होता है ना, यानी इसमें कोई पर्टिकुलर केस में तो नहीं है, पिनाकोल में सभी में हाइड्रोक्सिल होता है, और ऑफकोर्स उसका लोन पेयर है, और उस वजह से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बिल्कुल है, और इसी वजह से वो इस स्टाइल में जा रहा है। अच्छा, ये मैंने एक्सरसाइज अपलोड क्योंकि कर दी हुई है तो आप लोगों ने करनी है, इस रिएक्शन को आप देख लीजिए।